हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का मॉडल पेपर जो है देखने जा रहे हैं अगला, और जो है इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस मॉडल पेपर मैं लगवा चुकी हूँ, प्लस उसके एक्सप्लेन भी करती हूँ, तो इससे आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्लस क्या होता है कि जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब समझ लीजिए कि ये पेट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो आप प्लीज़ अटेंटिव होके जो है क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर करिए, और अगर ना आता हो तो ध्यान से सुनिए उसके एक्सप्लेनेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, नेविल चैम्बरलैन, स्टैनले वाल्डविन या फिर विस्टन चर्चिल ने? तो किसने किया था? ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था उसके दौरान जो है सांप्रदायिक प्रश्न के अतिरिक्त और भी बहुत सारे संविधान के ऊपर जो है प्रश्न उठ रहे थे, जैसे कि मान लीजिए जो है केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों का बंटवारा को लेकर हो गया, चाहे ये वो जो है केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में प्रतिनिधियों के विचारों में जो है बहुत अंतर था। तो इन परिस्थितियों में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने जो है सांप्रदायिक निर्णय जो है 8 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो सुझाव है, आप सभी जानते हैं कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली, तो ये जो है वो जो है उनके सुझावों को स्वीकार कर लिया गया और उनके लिए सुविधा प्रदान की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर? नास्तिकता पर, एक देववाद पर, अद्वैतवाद पर या फिर बहुदेववाद पर? तो किस पर आधारित है ये आधारित है एक देववाद पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है 20 अगस्त 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जिसका उद्देश्य क्या था? तत्कालीन जो हिंदू समाज में व्यक्त बुराइयों जैसे सती प्रथा हो गई, बहुविवाह हो गया, वैश्यागमन, जाति प्रथा इत्यादि को जो है वो समाप्त करना था। तो जो है राजा राम मोहन राय के अनुसार जो है एकेश्वरवाद यानी कि मोनोथेइज्म में जो है वो विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया उन्होंने, और 1815 में एकेश्वरवाद के जो है प्रचारार्थ आत्मीय सभा का भी गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में जो है बंदी बनाए गए थे? तो मेरठ षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र या फिर चिटगांव सशस्त्र रूट? तो किस में बनाए गए थे? ये बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र। अब आपके अंदर जो है सवाल उठ रहा होगा कि लाहौर षड्यंत्र था क्या? तो देखिए, जतिन दास जो थे वे लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे, और जेलों में अमानवीय परिस्थितियों का विरोध में जो है क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल खासतौर पर जो है प्रेरणा पद थी। तो राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ सम्मानित और सुसंस्कृत जो है व्यवहार किए, और जो है एक ऐसी भूख हड़ताल की आप नहीं मानोगे, 63 दिन तक उन्होंने जो है ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, और दुबले पतले जो है क्रांतिकारी जतिन दास जो है वो शहीद हो गए। जाहिर सी बात है कि कोई 63 दिन तक भूखा रहेगा तो उसकी जो है शहीद होना तो उनका तय ही है। तो जतिन दास जो ने है उन्होंने जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल की थी और वे शहीद हो गए थे, वो था लाहौर षड्यंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे कौन? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह या फिर महादेव देसाई और मणिबेन पटेल? तो कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ध्यान रखेंगे चंपारण सत्याग्रह में ये जो है गांधी जी के साथ थे, भाग ले रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने, तेज बहादुर सप्रू ने, मदन मोहन मालवीय ने कि चितरंजन दास ने? किसने छोड़ दी थी? ये छोड़ दी थी चितरंजन दास ने, ठीक है। किसने किसने छोड़ी थी ये भी मैं आपको बता दूं, एक तो ये चितरंजन दास हो गए, ठीक, और कौन हो गए जो है इन्होंने जो है वकालत जो है पेशे से त्याग दी थी? पहला है चितरंजन दास, ध्यान रखिएगा, दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, तीसरे हैं एम आर जयकर, चौथे हैं सैफुद्दीन कुचलू और पांचवे हैं वल्लभ भाई पटेल, छठे हैं सी राजगोपालाचारी और सातवें हैं टी प्रकाशम और आठवें हैं आसफ अली। तो इन लोगों ने जो है अपने वकालत से के पेशे को जो है वो त्याग दिया था।
पहले कौन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में देखिए सिर्फ चितरंजन दास ही नहीं आ सकता है, आपको जो है चारों ऑप्शन सही भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने अपना जो है वकालत का पेशा त्याग दिया। तो पहले चितरंजन दास, दूसरे मोतीलाल नेहरू, मेरे साथ बोलिए आप लोग, पहला चितरंजन दास, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरे एम आर जयकर, चौथे जो है सैफुद्दीन किचलू, पांचवे वल्लभ भाई पटेल, छठे सी राजगोपालाचारी, सातवें टी प्रकाशम और आठवें आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या फिर दिनसा वाचा। तो ध्यान रखेंगे कौन कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए क्या हुआ था कि जो है बनारस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तो जो है वो कौन सा नंबर का अधिवेशन था 1905 में, 1905 का नंबर का जो है वो 21वां कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू की कादम्बिनी बोस। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही होगा एनी बेसेंट। कैसे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 33वां, ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं कि कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी 33वां अधिवेशन जो है, जो कि 1917 में हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये जो है पहली भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में की थी, लेकिन अगर ऑल ओवर बात करेंगे तो वो जो है एनी बेसेंट ने की थी। अगर भारतीय महिला पूछा जाता है तो वो सरोजनी नायडू ने की थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची एक से सूची दो को मिलाना है, मतलब कि समाचार पत्र को संपादक से मिलाना है। तो हिंदू के जो है संपादक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के कौन थे, ये आपको पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के ये थे दादा भाई नौरोजी, मैं एक बार और बता चुकी हूँ आपको। और जो है बंगाली के SN बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? भगत सिंह, जतिन दास, विपिन चंद्रपाल, AC बोस। तो पता है 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, वे शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन सी इज राइट। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया, कारण यह है कि ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। तो देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन जो है ए सही होगा, दोनों सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रिटेन ने भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया, और भारत को जो है ब्रिटेन द्वारा आज़ाद किए जाने वाले कतिपय कारणों में से जो है ये एक मुख्य कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी, और भारत को आज़ाद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था। तो साथ ही जो है नवयुवक अंग्रेज अपनी सेवा तत्परता भी जो है वो नहीं दे रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गोंडों का, गारों का या फिर कोलियों का। तो किसका विद्रोह था, ये था कोलियों का विद्रोह। ठीक है, पागलपंथी जो है वो अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे जो है उत्तर बंगाल में जो है कमर शाह ने चलाया था। 1825 में क्या हुआ कि 1825 में जो है कमर शाह के उत्तराधिकारी जो है टीपू ने अपने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया, और यह विद्रोह जो है 1840 से 50 तक जो है वो चलता रहा, ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, शमशेर गाजी, ददू मियाँ, वजीर अली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा ददू मियाँ। जो फराजी विद्रोह के नेता थे वो ददू मियाँ थे। तो बंगाल के थे ये, फरीदपुर के जो है संप्रदाय के शरीयतुल्ला द्वारा जो है ये विचारों से प्रभावित थे, और ये लोग जो है सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन पर जो है वो जो है उसको प्रतिपादन करते थे। तो शरीयतुल्ला के जो पुत्र है वो दादू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेज़ के विरुद्ध विद्रोहों की योजना बनाई, और साथ ही जो है जमींदारों के द्वारा उस समय बहुत अत्याचार किया जा रहा था, तो जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध भी विद्रोह किया, और ये विद्रोह जो है वो 1838 से 1857 तक जो है वो चला।
आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, सूरत, कोल्हापुर, सिलहट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो जो है 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने जो है अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। तो चलिए यही समाप्त होता है आज का मॉडल पेपर। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।